मुझे जो सबसे ज्यादा गाइड करने वाले हैं ना वो मामा पापा है। तो बस पता था ना मामा पापा है बस। हाँ। काफी कमर्शियल्स वगैरह किए और मैंने शॉर्ट मूवीज बहुत ज्यादा किए। करते हो तो वो आपको कोई कैमरा वगैरह नहीं लगता, ऐसा लगता है सिर्फ रियल कर रहे हैं, प्यार से कह देंगे ये आपसे गलती हुई है दोबारा करते हैं। अभी भी काफ़ी है पर मुझे इनके नाम नहीं याद आ रहे। इतना करना पड़ता है तो वो टीचर्स जो होती हैं वो हेल्प करते हैं, टीचर्स भी मेरे साथ बहुत तंग करती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना साजिद और आपको DS डिजिटल टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह के हम हर प्रोग्राम एक डिफरेंट सेलिब्रिटी के साथ हाज़िर होते हैं, आज कुछ मज़ीद डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम कहें कि एक रेगुलर वर्क से हटकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने वाले कुछ किड्स चाइल्ड स्टार हमारे साथ आज के प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं इब्तिसाम, मुस्तफ़ा और ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब आप कैसे हैं? आप दोनों को वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों आए हैं और हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारे छत पे, मुझे याद है हमने तकरीबन कुछ 5-6 माह पहले ज़ुकूटा जिन उनके बेटे को बुलाया था, वो भी चाइल्ड स्टार ही हैं और उनका रोल अदा कर रहे हैं, तो आज फिर से चाइल्ड स्टार के तौर पे जो है आप लोग आए। तो बताएं कैसा चल रहा है और क्या हो रहा है आजकल, आप पहले बताइए। मैं तो ठीक चल रहा हूँ, मेरा फर्स्ट ड्रामा था ग्रेजुएशन, मैं 4 इयर्स का था, मैं तब से कर रहा हूँ। 4 इयर्स से? और अब आपकी एज कितनी होगी? अब मेरी 13। और मतलब आप 9 साल हो गए हैं? जी बिल्कुल। गुड, मतलब 9 साल का करियर आपने बड़ी जल्दी कर ली बचपन से। तो आपको किसने बोला था, मतलब 4 ईयर का बच्चा तो बिल्कुल आप, हम देखते हैं घरों में वो कुछ करता भी नहीं, खेलता कूदता ही, तो आपको किसने कहा कि आप ड्रामाज में या मतलब इंडस्ट्री में आओ? मुझे जो सबसे ज़्यादा गाइड करने वाले हैं ना वो मामा पापा हैं। ठीक है। क्योंकि मुझे फर्स्ट ड्रामा था उसमें मामा ने मुझे सबसे ज़्यादा गाइड किया था और पापा ने। कराची की माशा में टीम थी और उनके प्रोड्यूसर थे हसन जिया सर। ठीक है। और डायरेक्टर थे अमीन इकबाल सर और करेक्टर मैं कर रहा था यासिन नवाज सर के बेटे का। यासिन नवाज के बेटे का? जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये करेक्टर, वो बेटा तंग करने वाला तो नहीं था? नहीं नहीं, बस खामोश, मतलब कोई छोटा सा बच्चा जो अभी फीडर लेके घूम रहा था। हाँ हाँ, बस आपने यही काम किया पहले ड्रामे में। कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करना है, मैं बस फीडर लेके पूरे घर घूम ही जा रहे हो। रोते तो नहीं थे छोटे 4 साल के बच्चे? तो रोते। अच्छा, ये कैमरे शैमरे इतने लोग जब खड़े हुए इकट्ठे तो बच्चा वो डर भी होते हैं यार, मैं किधर फंस गया हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था नहीं। बस पता था मामा पास है बस। हाँ हाँ, ठीक था। तो कैसा हुआ था वो प्ले, कैसा हुआ था फिर वो, क्या उसकी जो फीडबैक क्या मिला था? उसका फीडबैक काफ़ी अच्छा मिला था, मतलब कि उसके बाद फिर आगे आगे पहले मामा ने मुझे कहा करो, फिर उसके बाद मुझे आगे आगे खुद बाखुद ही शौक डलता गया, फिर मैंने किया, फिर मैंने कहा थोड़ा सा और करते हैं, फिर इस तरह करते करते ये थोड़ा थोड़ा करते फिर मजीद आगे चलते जा रहे हैं, ये सफ़र चल रहा है अभी। अभी और भी बातें करेंगे, ज़ैनब भी हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनब आपने कैसे फिर आगाज़ किया भाई को देख के? आप इनसे पहले बताओ, छोटी हो बड़ी हो ये बताओ? मैं बड़ी हो इनसे। तो कितनी एज कितनी है आपकी? मैं 7-8 ईयर्स की। 7-8 ईयर्स ओल्ड? नहीं अभी नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मुस्तफा ने कर ली सामने 4 इयर्स में कर ली और आपने 7 ईयर में। अभी आप कितनी एज है? 15 ईयर। अभी मतलब आप इससे बड़े हो। तो जब इसने शुरू किया उसके बाद आपको शौक पड़ गया, तो क्या था आपका रोल पहले, क्या था करेक्टर? क्या मैंने शॉर्ट मूवीज किया, कैटवॉक वगैरह किए, ड्रामा किए, कमर्शियल्स वगैरह किए, डॉक्टर बबल का किया है, मालूम मेकर्स का किया है, काफ़ी कमर्शियल्स वगैरह किए और मैंने शॉर्ट मूवीज बहुत ज़्यादा किए। सही है। मैंने नाजिया बेग है उनके साथ किया था रोल, सबसे पहला मेरा वो था, वो शॉर्ट मूवी थी। ठीक है। वो किस क्या जियो चैनल में हुई थी? ठीक है जी। और वही कोई प्रेशर नहीं था कोई, मतलब ये थे यार एक्टिंग कैसी होगी किसी देख देख के, मुझे भी हो गया। अच्छा, घर में कोई एक्टिंग वगैरह करते हैं, मतलब जिस तरह आप ड्रामा नहीं है तो मतलब टाइम फ्री है तो घर में भी एक्टिंग वगैरह चल रही है? अच्छा, टीचर स्टूडेंट खेलते हैं, कभी हम कभी किसी की एक्टिंग करेंगे, कभी किसी की एक्टिंग, जैसे एक होता है ना शो होता है, मतलब गुड मॉर्निंग शो, बिल्कुल सही है, उसकी एक्टिंग करेंगे, वैसे करेंगे, ठीक है, गेस्ट बन के जाएंगे, वैसे एक्टिंग। सही है, मतलब खुद से दोनों मिलके एक और भी फैमिली दोनों मिलके कर लेते थे। सही हो गया। तो घर में जो जिस तरह आप क्या रिकॉर्डिंग वगैरह का जब सीन होता है, फर्स्ट टाइम जब जाना होता है, क्या तैयारी श्यारी करते हैं जब रोल मतलब मिल गया है यार ये मिलेगा, और उसके बाद फिर आपने आउट स्टेशन या कहीं दूर जाना है, तो क्या मतलब जेन में क्या लेके जाते हैं, क्या करना है, किस तरह से वो चीज़ें लेके जानी है?
वो एक स्क्रिप्ट देते हैं, स्क्रिप्ट के हिसाब से अपने माइंड को पहले एक लाइन पढ़ते हैं, फिर जो होता है ना लाइन होती है उसके साथ पहले भी थोड़ा सा ना मस्ती करनी पड़ती है, अच्छा ऐसे खेल खेल के लाइन बोलनी पड़ती है, फिर आपको वो लाइन याद हो जाती है, फिर उसके बाद जब आप करते हैं ना तो आपको एकदम अच्छी आती है बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, वो मतलब कि आपका माइंड भी वैसा हो जाता है और जब आप करते हो तो वो आपको कोई कैमरा वगैरह नहीं लगता कि ऐसा लगता है सिर्फ रियल कर रहे हो, रियल कर रहे हो, मतलब वो उसका फायदा आपको होता है जो आप घर में कर रहे होते हो उस चीज का फिर फायदा होता है कि मतलब जाहिर है जो रियल हो रहा है कुछ भी नहीं है बस ऐसे, ये मेरा फ्रेंड है और इसके साथ मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक चीज जिस तरह स्क्रिप्ट की बात करो, आपको किसी भी ड्रामे में कोई भी रोल मिल जाता है, मतलब जहाँ मैं अगर शरारती बच्चा तो मुझे कहीं सीरियस मिल गया या कोई मतलब हंसने वाला मिल गया, कहीं पर रोने वाला भी मिल गया, तो वो इमोशंस बड़े होते हैं, मतलब आपको फिर उस तरह की एक्टिंग भी करनी पड़ती है, बनना भी पड़ता है ना, वो दिखना भी पड़ता है ताकि स्क्रीन पर वही चीज़ नजर आए, तो वो कैसे कर लेते हो कि यार एक तो मैं बड़ा मतलब फनी सा बच्चा भी हूँ लेकिन मुझे कहते हैं कि यार नहीं अब सीरियस रहना आपने, नहीं वो हो जाता बस ऐसे, अगर सीरियस रहना तो बस फिर ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, ऐसे ये क्या तरीका है, ये मतलब कि ऐसे सीरियस रहते ना हंसी आ गई तो बस ऐसे दोबारा वो फिर ऐसे रुक, ये किसने बताया ये बताओ, ये मैंने मेरे खुद की एक साइंस है, साइंस है कि आप वो काट लेनी है, पीएचडी इसमें किया हुआ है, ऐसे कर तो बस हो जाएगा, चुटकी काट लेनी है जहाँ पे हंसी आ रही है, अच्छा क्योंकि की वैसे वो अभी तक जितने ड्रामे किए सख्त वो कहते हैं डायरेक्टर कोई प्रोड्यूसर वो कौन थे, कोई भी नहीं, सारे प्यार करने वाले, सारे प्यार करते और इतने पोलाइट, मतलब कि अगर आप काम कर रहे हो ना, अगर आपसे एक लाइन मिस्टेक हो भी जाती है कुछ नहीं, दोबारा से कर लो, दोबारा से करा लेंगे, उस प्यार से कह देंगे ये आपसे गलती हुई है दोबारा कर देते, ठीक है बस इतने। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि मतलब जिस तरह मैं कर रहा हूँ एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा यार नहीं हो रहा, गुस्सा भी आ जाता है, नहीं हो रहा मुझसे मैं क्या करूँ, नहीं नहीं कर लेता हूँ, कर लेता हूँ, अच्छा सही है, वो मेहनत कर करके इंसान तो इतनी हो चुकी है कि बस आ जाता है, वो कर ना भी करना तो फिर भी हो जाता है, अगर कहता हूँ ना कि यार ये नहीं करना मैंने, ठीक है, फिर भी बोलता रहता हूँ बोलता रहता हूँ बोलता रहता हूँ, नहीं बोला जा रहा है एकदम से खुद बहुत ही बोला जाएगा, इस तरह होता है। अच्छा कौन कौन से एक्टर हैं सामने जिनके साथ आप काम कर चुके हो, मतलब इंडस्ट्री के कौन कौन से लोगों के साथ अभी तक आपने काम कर लिया हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ कर सकता हूँ, बिलाल अब्बास, अच्छा गुड, आसमा अब्बास गुड, उनके बाद क्या नाम है अहमद अली अकबर सर, वाह जबरदस्त, उनके साथ अभी भी काफ़ी हैं पर मुझे इनके नाम नहीं याद आ रहे, उनके अच्छा छोटा सा तो मैं तब से कर रहा हूँ, वाह वाह, अच्छा आपको पता ही नहीं है आप किन किन लोगों के साथ काम कर चुके हैं, मैं बस ऐसे घूमता रहता था उनके बीच में छोटा सा, अब मैं बड़ा तो आप पता लग रहा है, देखता ना तब मैं हैरान होता इतना छोटा था मैं इनके साथ, ये बड़ी सी बात है और वाकई में कि जहाँ जब इंसान को पता ना हो कि यार मेरे साथ कितनी बड़ी एक सेलेब्रिटी बैठी हुई है और मैं इनके साथ का, वो लोग मिलने के लिए उनसे तरसते हैं वो टाइम लेने के लिए, चले बड़ी अच्छी बात है, जर्नी चल रहा है, कुछ और बातें भी कर रहे हैं ना, आप बताएं कोई सेट में मतलब जहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग शूटिंग पे जब भी गए हैं कोई इंटरेस्टिंग सा वाक्य कभी हुआ, कभी मतलब बहुत मज़ा आया हो कि इंजॉय भी किया और थोड़ा सा इंजॉय करते रहते हैं, अच्छा हम तो मैंने ये देखा है कि आपकी वो क्राइम सीरीज भी है उसमें भी जो आप काम कर रही हैं लेकिन वो बड़ी सीरियस होती हैं, उसमें तो वो बड़ा सस्पेंस थ्रिल और इस तरह की, तो वो तो उसमें तो इंजॉय कैसे कैसे इंजॉय करते हैं उसमें, वो कैमरे के पीछे इंजॉय, कैमरे बाद सीरियस हो जाते हैं, सीरियस ही रहा, सही हो गया, किसको, अच्छा कोई हॉरर अभी तक तो नहीं इसमें तो नहीं किया हुआ, हॉरर नहीं किया, वो डर तो नहीं लगता, नहीं लगता, अब पता है सारा रिकॉर्डिंग ही हो रही है कौन सा कुछ सच में तो है नहीं कुछ भी है ना, मूवीज हाँ शूट मतलब इस तरह की क्राइम की स्टोरी होती है बड़ी थोड़ी सी होती है कि ओ इसमें ये मर्डर हो गया ये हो गया, मतलब सुन के तो बस डर लगता है ना यार ये कैसी कहानी है, छोटे से हाँ अब नहीं लगता, अब आधी हो गई फेक ही होता है, बस हमने बस उसमें प्ले ही करना है, बस प्ले करना है दोबारा फिर वो अगली सीरीज में फिर आ जाएगा, अच्छा मरता मरता कोई नहीं है, दोबारा आ जाना, ये बड़ी अच्छी बात है, और हर एक लाइफ है इंटरटेनमेंट की ड्रामा इंडस्ट्री की लाइफ की बातें हम कर रहे हैं, तो इब्तिसाम
किन के साथ काम करने का आगे प्लान क्या है, थोड़ा सा वो भी बताओ। और स्टडी, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ, स्टडी आपने जिस तरह रिसेंटली 7th क्लास को कंप्लीट किया है और अभी जा रहा है आपके, बड़ी लंबी जर्नी चल रही है स्टडी में भी, अभी उसके ऊपर कितना फोकस है, पढ़ते भी हो बस अभी एक्टिंग चल रही है? पढ़ता भी साथ साथ स्टडी को भी फोकस कर रहा हूँ। तो स्कूल जब जाते हो तो बच्चे तंग तो नहीं करते कि यार तुम तो ड्रामों में आते, तुम क्या करना पड़ रहा? नहीं, बच्चे भी साथ सपोर्ट करते हैं, मतलब अच्छा? वो भी तंग नहीं करते कि यार तुम ये करता है ये करता है, ये नहीं, बस आराम से बस कहते हैं हाँ, बस अपने काम से काम रखते हैं, तो सेल्फियां सेल्फियां भी लेते हैं। हाँ ये बस है, ये मजा आता है फिर, है ना, होता है बस। उसके बाद टीचर्स के वो सपोर्ट है, मतलब कि टीचर्स हार्ड वर्किंग है, तो अगर मैं छुट्टी कर लेता हूँ काम ठीक है, उसके बाद मुझे डबल लेट वर्क भी अपना करना पड़ता है, तो वो टीचर्स जो होती हैं वो हेल्प करते हैं, टीचर्स भी मेरे साथ बहुत तंग करती हैं।